सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन एग्री से। तो नॉन एग्री में देख रहे हैं कि सोने में जो करेक्शन है वो और ज़्यादा गहरा गई है सुबह के मुकाबले। सुबह तो सोना $1870 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं $1857 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। वहीं सिल्वर भी $21.8 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हल्का और दबाव बन गया है सुबह के मुकाबले। तो अब यहाँ पे सोने चांदी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या आगे कीमतें रहेंगी, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज जी, सबसे पहले अगर गोल्ड और सिल्वर की बात की जाए, तो गोल्ड तो हम देख रहे थे सुबह को कि आज $1870 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन शाम में देख रहे हैं अब $1857 की रेंज में आया है। आपको क्या लगता है, अब जिस हिसाब से रुपया और डॉलर में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, डॉलर ज्यादा तेज है, तो उस हिसाब से अब सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो क्या रहनी चाहिए? अगले जी, गोल्ड सिल्वर के भाव प्राइसेस में हमें लगता है कि नरमी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जैसे हम लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि गोल्ड सिल्वर के भाव में नरमी रहेगी, तो वैसे ही ट्रेंड देखने को मिला है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भाव में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी अनु जी, हम देखते हैं कि अक्सर जब रुपया कमजोर होता है तो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस बार उल्टा क्यों होता नजर आ रहा है? देखिए, इस बार जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है और इंटरेस्ट रेट की वजह से हमने भावों में गिरावट देखी है। हमें लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट का असर रहेगा, उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में नरमी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। जी अनुजी, हमने कच्चे तेल में भी यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। कल भी हमने शाम होते होते 2% की गिरावट देखी थी, आज भी देख रहे हैं 2-2% की गिरावट बन रही है WTI और ब्रेंट में। ये कम डिमांड होने की वजह से गिरावट आ रही है या फिर जो रशिया पर बैन लगाए जा रहे हैं, नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से गिरावट बनी है? देखिए, कच्चे तेल में हमने यहाँ पे डिमांड का असर आते हुए देखा, जिसकी वजह से कंटिन्यूस भावों में गर्मी रही है। हमें लगता है कि कच्चे तेल में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि 7500 तक के लेवल और $95 तक के लेवल कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सलाह बिकवाली की रहेगी। हमें लगता है कि 7500 तक के लेवल अब अगेन क्रूड में देखे जा सकते हैं। जी ये सनु जी, नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस को हमने रिसेंटली ही $9 तक ट्रेड करते हुए देखा था, न्यू हाइस लगे थे नेचुरल गैस के अंदर। लेकिन अब देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के जो प्राइसेस हैं 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं। $6.8 पर नेचुरल गैस अब ट्रेड करती नज़र आ रही है। अब ये जो अचानक से तेज़ी के बाद करेक्शन आई है, इसके रीजंस क्या हैं और आगे अब नेचुरल गैस का बाजार कैसे रह सकता है? देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि जो वहाँ पर मौसम था उसमें तब्दीली देखने को मिली है। वहाँ पर अब गर्म मौसम स्टार्ट होता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से जो डिमांड थी वो कम देखने को मिली है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भावों में कुछ और नरमी देखने को मिलेगी। वेदर जैसे जैसे चेंज होगा वहाँ पर डिमांड साइकिल उतनी ही वीक होती हुई दिखाई देगी, और हमें लग रहा है कि अभी भावों में एक नरमी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, इसी के साथ साथ हमने बेस मेटल्स में भी यहाँ पर नरमी देख रहे हैं, कॉपर हो, जिंक हो, निकल हो, सब में देख रहे हैं कि बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से बेस मेटल्स में नरमी ज़्यादा देखने को मिली है। ये बेस मेटल्स में क्या डिमांड कम हुई है जिसकी वजह से नरमी आई है, या फिर जो इन्वेंट्रीज हैं उनमें कुछ उतार चढ़ाव हुआ है? देखिए, बेस मेटल में डिमांड का असर ज़्यादा देखने को मिला है और उसकी वजह से हमने नरमी का ट्रेंड आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी बेस मेटल में जो हमने गिरावट देखी है वो अभी फिलहाल और डाउन साइड जा सकती है, क्योंकि चाइना में जिस तरह से लॉकडाउन लगा है और US के अंदर भी हमने डिमांड कम होती हुई देखी, तो उसका असर भावों पे रहेगा और भाव आगे नरम और होते हुए दिखाई देंगे। जी अनु जी, बेस मेटल्स में ऐसा कौन सा बेस मेटल होगा जो सबसे ज्यादा गिरावट की ओर रहेगा अभी? देखिए, हमें लगता है कॉपर के अंदर बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। नीचे एक्सपेक्टेड है 735 से लेकर 730 तक के लेवल कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। बेस मेटल में डाउन साइड इंपैक्ट रहेगा, हमें लगता है कि उसकी वजह से भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे और 730 तक के लेवल रहेंगे। और कॉपर के साथ साथ हमें लगता है कि एल्युमिनियम के अंदर भी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ₹225 तक के लेवल एल्युमिनियम में देखने को मिल सकते हैं। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की,
यहाँ सब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की, जानेंगे अनुज जी से कि एग्री कम्युनिटीज पर कहाँ पर कितने कमाई के मौके हैं, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले कॉटन से। अनुज जी, M6 कॉटन की बात की जाए तो M6 कॉटन में देख रहे हैं कि लगातार तेजी का दौर जारी है। 45,000 से शुरुआत हुई थी, अब देख रहे हैं 47,000 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या कभी भी शार्प करेक्शन बनेगी या फिर यहाँ से जो तेजी है अब वो अभी जारी रहेगी? कॉटन में भी तेजी है, जो ट्रेंड है वो रहेगा। हमें लगता है कि जल्दी ही हम यहाँ पर 50,000 के लेवल आते हुए देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से और साथ में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से हमने यहाँ पे तेजी लौटती हुई देखी। हमें लगता है कि जल्दी ही 50,000 के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। स्विंग एक्टिविटी भी यहाँ पे स्लो चल रही है इंडिया के अंदर, इसका असर भावों पे रहा है और डिमांड भी यहाँ पे बढ़ी है, तो हमें लगता है कि अभी 50,000 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, कॉटन का स्विंग सीजन भी है, तो ऐसे में खबरें भी निकल के सामने आ रही है कि इस बार कॉटन की जो सोइंग है वो ज्यादा रह सकती है। आपको क्या लगता है, क्या पहले के मुकाबले जो किसान दूसरी फसलों की सोइंग कर रहे थे, क्या वो भी इस बार कॉटन की ओर शिफ्ट होते नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, कॉटन की जो सोइंग है वो होनी चाहिए थी मगर उस पेस पे नहीं हो रही है। अभी जो सीजन है इसमें कॉटन की सोइंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी मगर अभी तक कॉटन की सोइंग जो है वो कहीं पर भी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि मौसम ने अभी उतनी प्री मॉनसून शावर जो है वो देखने को नहीं मिली है। और आगे भी अगर देखें तो जो जिस तरीके का तूफान की बात चल रही है, हो सकता है कि आगे मॉनसून थोड़ा डिले होता हुआ दिखाई दे। हमें लगता है कि उसकी वजह से कॉटन के प्राइसेस में आपको तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी यहीं से अनुजी, हमने बिनौला खल की बात करें तो अगर बिनौला खल में भी यहाँ से हमने बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से हल्की सी बढ़त बनते हुए देखी है, 2900 के ऊपर बिनौला खल अब ट्रेड करता नजर आ रहा है। क्या अब बिनौला खल फिर से वही तेजी वाले लेवल दिखाने को तैयार है जो बिनौला खल ने 3400 तक दिखाए थे, या फिर बिनौला खल में अब तेजी नहीं है, यहीं पे सिमट के रहेगा? देखिए बिनौला खल में हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो भाव है वो ऐसे ही सेंटीमेंट में रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भावों में जो गिरावट का रुख देखा है हमें लगता है कि अभी और यहाँ पे नरमी का ट्रेंड रहेगा। हालांकि प्राइस अगर बाउंस बैक ले तो वहां पर हमारी सलाह है कि आप बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, मगर करंट रेट से हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है यहाँ पर सलन राइज का मार्केट रहेगा। जी अनुज जी, हमने स्पॉट मार्केट में तो देख रहे हैं कि हाजिर में बिनौला खल 3500 से 4000 तक बिकता नजर आ गया है, लेकिन वो रेट इस बार हम फ्यूचर में नहीं आता हुआ देख रहे हैं, जबकि फंडामेंटल साइड से देख रहे हैं कि दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं, कॉटन के प्राइसेस में भी तेजी है और जो खल है उसके दाम भी ठीक ठाक ही हैं, तो ऐसे में फ्यूचर में क्यों गिरावट है और हाजिर में तेजी है? देखिए फ्यूचर में जो गिरावट है उसका असर ये है कि आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि जो डिमांड है वो कम रहेगी। हाजिर के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सेंटीमेंट जो है वो क्वालिटी को लेकर है कि जो क्वालिटी है और जो फिजिकली क्वालिटी है उसमें फर्क है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ देखने को मिला है। मगर अल्टीमेटली हमें लगता है कि जो अभी ट्रेंड बना है वो फिलहाल अभी थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पर हमें लगता है कि सलन राइज का मार्केट देखने को मिल सकता है। जी ये सर मुझे ग्वार में क्या लगता है, ग्वार में भी देख रहे हैं कि प्राइसेस स्लिप ऑफ हुए हैं लेकिन हरे निशान फिर से देखने को मिल चुका है ग्वार के अंदर, तो क्या अब ग्वार यहाँ से पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी दिखाएगा या फिर वही 12,000 12,500 वाले लेवल ही देखने को मिलेंगे अभी भी? देखिए ग्वार के अंदर अगर देखें तो पिछले 2 दिनों में थोड़ी गिरावट रही है, हालांकि ब्लैक मार्केट था। आज हम देखें तो मॉर्निंग पे गिरावट का प्रेशर बना है, तो ओवरऑल जो ट्रेंड है ग्वार का वो नेगेटिव ही है। हमें ऐसा लगता नहीं कि कोई मेजर यहाँ पे तब्दीली देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी बिकवाली का ट्रेंड है तो यहाँ पर हमारी सलाह अभी सेलिंग साइड पे ही रहेगी। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर नीचे आपको जल्दी ही 5,800 तक के लेवल और ग्वार गम में करीबन 10,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी अनुज जी, फंडामेंटल साइड से तो ग्वार स्ट्रांग ही है, तो क्या ये अभी सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है या फिर फंडामेंटल्स में अभी कुछ चेंजेस आए हैं रिसेंटली? देखिए प्रॉफिट बुकिंग ही है महज, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो अभी थोड़े से सपोर्टिव ही है, मगर हमें लगता है कि इंटरनेशनली भी कुछ कारण देखने को मिले जहां पर डिमांड कंसर्न देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से भावों में सेलिंग प्रेशर है। फिलहाल तो अभी हमें लगता है कि टेक्निकल करेक्शन यहां पर देखने को मिलती है। जी ये सनु जी, हमने स्पाइसेस में भी यहाँ पर नरमी आते हुए देखी है और अभी भी स्पाइसेस तीनों ही हल्दी जीरा धनिया लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ये मसालों में हमने देखा है कि धनिया और जीरे की स्विंग साइड तो काफ़ी कमज़ोर है मेन रीजन्स के अंदर भी, तो
तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग बनी है ये कब तक ऐसी जारी रहेगी और अच्छी तेजी कब एक्सपेक्टेड है? देखिए अभी तो फिलहाल एग्रीकल्चर में थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा क्योंकि आगे मॉनसून की जो चाल है वो उस पर निर्भर करेगा। अभी हम देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो भी कम देखने को मिले जिसकी वजह से जीरा टर्मरिक कोरिएंडर में गिरावट रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में अभी ऐसे ही ट्रेंड देखने को मिलेगा और भाव और नरम होते हुए दिखाई देगा। जी तो क्या अनुज जी ये जो भाव नरम हो रहे हैं इनको थोड़ा अभी और गिरावट का इंतजार किया जाए मसालों में निवेश के लिए या फिर इन लेवल्स पर भी मसालों में निवेश किया जा सकता है? देखिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए खरीदारी करने के लिए क्योंकि अभी सेंटीमेंट डाउन है, फिजिकल मार्केट के अंदर भी कोई उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, वहां पर भी भाव नरमी की तरफ है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, भाव और नीचे मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। जी अनु जी कैस्टर में क्या लगता है आपको? कैस्टर में देख रहे हैं 7200 पर सस्टेन है, ना ही इससे ज्यादा उठ रहा है ना ही ज्यादा नीचे गिर पा रहा है, तो क्या फंडामेंटल्स अभी कैस्टर में तेजी वाले नहीं है जो कैस्टर में तेजी नहीं आ पा रही है या फिर यहाँ पर इसमें डिमांड कम है? देखिए कैस्टर में भाव 7500 का हाई बनाया था, उसके बाद से मैंने देखा कि नीचे में 7000 को भी टेस्ट किया है और अब भाव करीबन 7250 के आसपास चल रहे हैं। नो डाउट कि यहाँ पर हायर लेवल पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पर डिमांड कम होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी हम आने वाले दिनों में गिरावट देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, सडन राइज की तरफ ही मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। हमें लगता है कि भाव ऊपर 7300 के आसपास जाए तो आप इक्वाली करें, नीचे अगेन 7000 से लेकर 7100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी अनु जी एडिबल ऑयल पैक में क्या लगता है आपको? हमने यूएस सोयाबीन भी यहाँ पर आज उसमें नरमी आते हुए देखी है, $1600 के नीचे स्लिप हुई है और मंडियों में भी जो खाद्य तेलों के दाम है ऊंचे भाव पर उनमें लिवाली कम हुई है, तो ऐसे में खाद्य तेलों में क्या ऊंची कीमतें रहने के बावजूद भी जो डिमांड है वो कम रहेगी और जो क्या बाजार अभी और नीचे जाता हुआ नजर आएगा? खाद्य तेलों में हमने डिमांड की वजह से भाव नीचे आते हुए देखे हैं और कहीं ना कहीं देखें तो अब इंडोनेशिया की तरफ से भी जो ड्यूटी है वो कम की गई है तो उसका भी इम्पैक्ट हमें यहाँ देखने को मिला है। हमें लगता है कि अभी जो भाव है वो थोड़े से नेगेटिव फॉर्म में ही रहेंगे क्योंकि भारत के अंदर इस बार क्रॉप अच्छी देखने को मिली है उसका भी असर है। हमें लगता है कि फिलहाल अभी जो ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव है यहाँ पे और आने वाले दिनों में एडिबल ऑयल्स में कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी। जी अनुज जी टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप एग्री कमोडिटीज में? देखिए हमें लगता है कि टॉपिक के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम मसालों में गिरावट का ट्रेंड रहेगा तो कोरिएंडर में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे करीबन 11000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं ग्वार के अंदर भी बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, नीचे 5900 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर लगातार ही बनी रहेगी मार्केट एमसीवी पर।